अपनी लीजिंग पे काफ़ी काम करा है, कई नए ब्रांड्स खुल के यहाँ पे आए हैं। और ग्राउंड फ्लोर इसका मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका प्री लीज जो सेकंड फ्लोर पे है वो क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा के बताऊँगा। बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऑफिस प्लेस जब होती हैं बड़ी बड़ी, एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं और नीचे जो चीज़ें हैं कॉमर्शियल वो आपका चलता है। ये फ्रंट साइड है कॉमर्शियल का, दिस इज बिकानेर वाला। उसके बाद आइए अंदर देखते हुए चलते। देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, रेडी टू मूव इन में आपको 2 महीने के अंदर सारा कुछ पेमेंट करना होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है जो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। मतलब बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी जगह है, एक गोल्ड माइन ऐसी है कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर ले ली, थोड़ी सी अकल लगा के, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ी सी अकल लगा के सही इंसान से राय लेके आपने कोई चीज़ ले ली तो आप फायदे में ही रहेंगे। येलो कलर की बिल्डिंग्स दिख रही ना, इसके पीछे चार और बिल्डिंग्स हैं, चार और सोसाइटीज़ हैं बहुत अच्छी अच्छी, उसके बीच में कॉमर्शियल है सेंट्रल 102 जो कि ग्राउंड फ्लोर और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, उसमें सिर्फ 90 शॉप्स हैं, इसमें लगभग 450 शॉप हैं ओकस मेडले में, वहाँ सिर्फ 90 शॉप्स हैं। वो क्यों आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो वहीं चल के हम बात करेंगे। तो लोकेशन भी चलते हैं सेंट्रल 102 की। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव पैकेज लॉन्च होने के बाद। तो उसका रीज़न मैं ये बोलने का रीज़न है कुछ, क्योंकि मैं इस वक्त बैंगॉन द्वारका एक्सप्रेसवे एक प्रोजेक्ट में खड़ा हुआ हूँ। ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, दिस इज़ ओकस मेडले, पहले भी मैं इसका एक वीडियो ला चुका हूँ। ये मैंने बात इसलिए बोली द्वारका एक्सप्रेसवे वाली क्योंकि जितना इंतजार हम लोग ने कराया है द्वारका एक्सप्रेसवे के फंक्शनल होने का, उतना इंतजार ओकस मेडले ने भी कराया है। क्योंकि ओकस मेडले एक ऐसा कॉमर्शियल है जिन्होंने बहुत पहले इसका इंसेप्शन हो गया था, बन के तैयार हो गया, जब ये अमूमन आप देखते हैं ऐसे जब अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ होती है तब बिकती है, डेवलपर्स बेचते हैं, लेकिन ओकस मेडले ने इसको पहले बेचा ही नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही इसका इन्होंने आगाज़ करा है इसकी सेल का। क्योंकि इनका मानना यह था कि भाई ना ये सही रेट डिमांड कर पाएंगे ना आपको उतना फ़ायदा होगा, ये इनका मानना था, क्योंकि सामने की रोड ये खुली नहीं थी। और अब यहाँ से भी एंट्री है इसकी, इस तरफ से अगर देखें द्वारका, दिस इज सेक्टर 99 बाय द वे द्वारका एक्सप्रेसवे, सामने द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है, गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा फंक्शनल हो चुका है। तो अब कुछ महीने पहले उन्होंने सेल शुरू करी थी इसकी, तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि आपके रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं और जो बनने के बाद बिकना शुरू हुई है। तो बेसिकली ओकस मेडले में आज इस वीडियो में हम लोग दो कमर्शियल्स की बात करेंगे, एक तो ओकस मेडले है और एक इसके जस्ट पास में जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं दिस इज़ हेरिटेज मैक्स, कॉन्शियंट की है हेरिटेज मैक्स, और उसके बगल में आप अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके देख लीजिए जाए तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ आप देख रहे होंगे, बिल्डिंग देख रहे होंगे, इसके पास मतलब चार सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, और उन चार सोसाइटीज़ के बीच में एक कॉमर्शियल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, कॉन्शेंट का ही है सेंट्रल 102 के नाम से। तो ये दोनों कॉमर्शियल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि बहुत सिमिलर प्राइस रेंज में है और बहुत सिमिलर चीज़ें हैं। ओकस मेडले में ग्राउंड फ्लोर पे भी चीज़ें हैं, अभी अंदर चल के आपको दिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ा कट्स में होगा, अमूमन मेरा वीडियो आपने देखा होगा बहुत अनकट होता है, इसको कट्स में बनाना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि आपको कई अलग अलग चीज़ें दिखानी है। इसमें मैं ओकस मेडले में आपके लिए, मुझे प्री रेंटेड जो प्री लीज चीज़ होती है उसके लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपको प्री लीज चीज़ मिल जाए, और सेंट्रल 102 में क्या चीज़ है वो बताएंगे आपको। तो पहले इसका ग्राउंड फ्लोर चल के देख लेते हैं क्योंकि अभी ओकस मेडले ने अपनी लीजिंग पे काफ़ी काम करा है, कई नए ब्रांड्स खुल के यहाँ पे आए हैं। और ग्राउंड फ्लोर इसका मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका प्री लीज जो सेकंड फ्लोर पे है वो क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा के बताऊँगा, है ना। तो चलते हैं पहले अंदर। तो हम लोग आ गए हैं थोड़ा अंदर, दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर। ये इनका ऊपर ज़रा ऊपर देखिए, ये इनका ऑफिस टावर है जो कि बहुत ऊंचा ऑफिस टावर है और बड़ी बड़ी ऑफिस की प्लेट्स हैं यहाँ पे। ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऑफिस प्लेट्स जब होती हैं बड़ी बड़ी, एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं और नीचे जो चीज़ें हैं कॉमर्शियल वो आपका चलता है। ये फ्रंट साइड है कॉमर्शियल का, दिस इज़ बिकानेर वाला। उसके बाद आइए अंदर देखते हुए चलते हैं, उसी में आपको आपके सवाल के जवाब मिलते रहेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं आपको समझा पाऊँगा। तो ये बिकानेर वाला है यहाँ पर, और ये ऑफिस स्पेस मैंने आपको दिखा दिया। KFC, ये देखिए KFC आपको दिख रहा होगा सामने, और इधर हम लोग अगर देखें तो दिस इज़ जोका डाइनर, उधर देखिए, वो देखिए जोका डाइनर भी है। और उसके अंदर हम लोग चलेंगे तो आप सामने ये देख रहे होंगे, दिस इज़ बसंत रेस्टोरेंट विच इज़ ओपनिंग हेयर, पिज़्ज़ा हट ऑलरेडी ओपन, और प्ले मेनिया ऊपर देखिए, वो देखिए प्ले मेनिया दिख रहा है, और BBQ बियर बैश करके एक कंपनी है वो भी आ रही है यहाँ पर। तो मतलब नई नई चीज़ें आ रही हैं। और हाँ, ऊपर वो देखिए, ऊपर देखिए लुक सैलॉन भी खुल रहा है, तो लुक सैलॉन भी आ गया है। अब ये क्या है, इसका फ्रंट पार्ट है, इस कॉमर्शियल का फ्रंट पार्ट है जो कि ओकस मेडले ने बेचा नहीं है। ओकस मेडले ने बेचा नहीं, हमारे एक व्यूअर मिल गए थे जो पहचान गए हमें, तो हाय कर रहे थे तो ये फ्रंट पार्ट जो है ओकस मेडले ने नहीं बेचा है।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे भाई कि हम इसको लीज आउट कर लेंगे क्योंकि फ्रंट की चीज़ है। अब आ गए हम लोग अंदर, है ना। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी इसका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, ये रिद्धि सिद्धि अफोर्डेबल है। एक गेट इन लोग की कोशिश है, बात चल रही है, बहुत ही एंड पॉइंट पे है बात, तो ओकस मेडले एक गेट जो है यहाँ से भी खोल रहा है इस सोसाइटी से। 1600 अपार्टमेंट से लगभग सोसाइटी में लोग रहना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो ये डायरेक्टली एक कैचमेंट है यहाँ पे लोगों के शॉपिंग करने का। अब ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये इनका ग्राउंड फ्लोर है। ये आपको इतने बहुत ज़्यादा रौनक वाला नहीं लगेगा, है ना। आपने सामने देखा बड़ी रौनक है, बड़े अच्छे ब्रांड्स खुले हुए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा रौनक वाला नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इसके ऊपर इतने ब्रांड्स नहीं आए हैं। लोग आएंगे धीरे धीरे। ऑफिस प्लेट जो है बहुत ऊपर तक है। आप अगर इधर से आके देखेंगे, इधर से आके देखिए तो ऑफिस प्लेट्स मतलब जो 12-12 हज़ार स्क्वायर फीट की ऑफिस प्लेट्स हैं यहाँ पे, तो ये लोग रहेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, रेडी टू मूव इन में आपको 2 महीने के अंदर सारा कुछ पेमेंट करना होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है जो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ले सकते हैं बिल्कुल, मतलब आपका मन है तो आप अगर ऐसा चाह रहे हैं बिल्कुल सेफ चीज़ बनी हुई चीज़ हो, अंडर कंस्ट्रक्शन में आप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं तो सबका अलग अलग तरीका होता है, तो आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ चीज़ अवेलेबल है वो ले सकते हैं। चलेंगी, देखिए देर सवेर चलेगी क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है और ओकस मेडले अपनी लीजिंग पे भी काम कर रहा है, तो चीज़ें जो हैं वो चलेंगी यहाँ पे। लेकिन अगर आपका ये थोड़ा थॉट प्रोसेस है कि भाई नहीं, मुझे चलती हुई चीज़ चाहिए और प्री लीज चीज़ चाहिए जो मैं जिसमें पैसा अपना डिप्लॉय करूँ और मुझे तुरंत उसका रिटर्न आना शुरू हो जाए, एक रेंटल वैल्यू आना शुरू हो जाए, वो जो चीज़ है वो है ऊपर। तो मैं अभी ऊपर चल के दिखाऊंगा क्योंकि इनके सेकंड फ्लोर पे बहुत खास बात ये है कि मल्टीप्लेक्स है। सामने आपको ये मल्टीप्लेक्स दिख रहा है, ये हम लोग मेन एट्रियम एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। नीचे से अगर आप इनमें यहाँ पे आप अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे तो यहीं से निकलेंगे। तो मेन एट्रियम एरिया ये है जहाँ पे थोड़ा सा रिक्रिएशनल जोन होगा, कुछ एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर में मैं बता रहा था, इधर जो है वो मल्टीप्लेक्स है, इधर फूड कोर्ट है और उधर प्लेमेनिया है। तो ये मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि मल्टीप्लेक्स में हम लोग आएंगे मूवी देखने के लिए और फूड कोर्ट में खाना खाएंगे और प्लेमेनिया में सब बच्चे जो हैं वो खेलेंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हम लोग आएँ तो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँ। तो वो सारी चीज़ें मल्टीप्लेक्स मतलब मूवी एक्सपीरियंस, फूड कोर्ट खाने वाला और प्लेमेनिया के बच्चों के आराम से हम लोग, फिर आप लोग आके जो पेरेंट्स हैं वो आके शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, बच्चे आराम से खेलते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक जोन बनाया गया है जिसमें बहुत भीड़ भाड़ रहेगी आने वाले टाइम में। तो पहले चलते हैं ऊपर और देखते हैं वो वाला जोन। ऊपर आते आते मैंने सोचा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, जो प्लेमेनिया या ऊपर हम लोग जो ओकस मेडले देखने जा रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है लगभग 88 लाख रुपीज़ से, और उसके बाद जो हम लोग सेंटर 102 देखेंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा, सिमिलर रेंज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि तब आपको इंटरेस्ट आता है कि भाई ये जो बात कर रहे हैं पैसे उसमें कितने लग रहे हैं, पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो 88 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है ओकस मेडले का, और सेंट्रल 102 का भी सिमिलर रेंज में शुरू होता है, वो मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर और यहाँ से ऊपर चल के बाकी चीज़ दिखाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, यानी कि इनका जो टॉप फ्लोर कह सकते हैं रिटेल का। हम लोग अभी खड़े थे नीचे, जो मैंने आपको बताया था कि ये इनका एट्रियम एरिया है, यहाँ पे खड़े हुए थे, यहाँ से हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो ये जो है पीछे आपको दिख रहा है ये इनका मल्टीप्लेक्स है, 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स। ये हम लोग अमूमन जाते हैं तो मतलब ये आपको वैसा दिख रहा होगा, आप उसको इमेजिन करके देखिए कि जब ये बन जाएगा तो सारा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न यहीं पे मिलेगा, जो कि बहुत महंगा पॉपकॉर्न देते हैं ये लोग, बड़ी मुझे मलाल है इस चीज़ से। तो ये पॉपकॉर्न एरिया और सारी चीज़ें, फिर मल्टीप्लेक्स जो है अंदर है यहाँ पे। और अब इस तरफ जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो सामने आप ये वाइट हट सा एरिया जो देख रहे हैं, दिस इज़ द फूड कोर्ट। तो बड़ा सोच समझ के बनाया गया, मल्टीप्लेक्स के सामने फूड कोर्ट बनाया गया। और आप अगर मेरा लास्ट वीडियो देखें ओकस मेडले का, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हट वाला बना हुआ है, वाइट कलर का जो बना हुआ है ऊपर कवर करने वाला, वो नहीं था, वो बन गया है। बहुत अच्छी बात है कि तेज़ी से काम हो रहा है। ये पीछे आप ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिफ्ट यहाँ से ऊपर आएगी, फैशन हब टाइप का बना रहे हैं, पूरा फैशन हब यहाँ पे होगा, पूरे सारे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फैशन हब होगा। अब क्या है, फूड कोर्ट का प्लान इनका ऐसा है कि यहाँ पे ये लोग एक गेट लगा देंगे आगे, यहाँ पे मतलब शीशे का गेट जैसे होता है वो लगा देंगे। इसके अंदर वाला सारा एरिया जो फूड कोर्ट का होगा वो एयर कंडीशन होगा, और मतलब चारों तरफ इस पे वो लगा देंगे, गेट लगा देंगे और एयर कंडीशन होगा, क्योंकि आप गर्मी में बैठ के तो खाना खाएंगे नहीं। तो ये सब नई चीज़ें हुई भी थी पहले वाले वीडियो में। तो इसमें क्या है, ये फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट पूरा सोल्ड आउट है इनका। मेरे एक व्यूअर को आई एम वेरी थैंकफुल टू ओकस ऑल्सो कि बहुत अच्छे डील मिल गई थी और मेरे एक व्यूअर को मिला है ओकस मेडले का फूड कोर्ट, उन्होंने सही टाइम पर ले लिया था। लेकिन फूड कोर्ट अब सोल्ड आउट है। लेकिन अब दूसरी चीज़ अवेलेबल है जो है प्लेमेनिया। प्लेमेनिया क्या है, आप देखिए सामने मल्टीप्लेक्स हो गया, ये फूड कोर्ट हो गया, अब सामने उधर
प्ले मेनिया है और बच्चों का पूरा प्ले जोन होता है, जैसे आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो इस तरह की चीज़ बन के आएगी जो कि आपने एम्बियंस मॉल में देखा होगा, हर बड़े मॉल में आपने चीज़ देखी होगी, तो बन के आ रहे। तो अच्छी मुझे चीज़ें लगी कि आप भाई मूवी देख के आए, है ना, फूड कोर्ट में खाना वाना खाया, जब फूड कोर्ट में खाना खा रहे बच्चों को भी खिला दिया, उसके बाद बच्चों को छोड़ दिया आपने, प्ले मेनिया में आप खेलिए, आपने बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर ली, है ना, जैसा आप चाह रहे हैं। यहाँ पे आप वहीं प्ले मेनिया में साथ में बैठ सकते हैं, उनके साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो प्ले मेनिया में सामने जो प्ले मेनिया जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये पूरा प्ले मेनिया है, अंदर से पूरा पूरा प्ले मेनिया वो है। तो आज जब आएंगे तो मैं आपको ले चलूँगा यहाँ पर। उसमें क्या सीन है, उसमें 88 लाख से प्री लीज चीज़ शुरू है। प्री लीज क्या होता है, आप प्री लीज का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, आप एक तरीका होता है जैसे सेंट्रल 102 का है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसमें आपने एक शॉप ले ली, है ना, जो कि 445 स्क्वायर फीट की है या फिर 645 स्क्वायर फीट की है। उसमें आपकी या तो कॉन्शेंट आपकी लीजिंग कराएगा, बाद में जब वो बन जाएगा, जो कि कराता है कॉन्शेंट वन, आपने देखा होगा कॉन्शेंट वन बेहतरीन तरीके से लीज हुआ है और सारा लीजिंग उसमें कॉन्शेंट नहीं कराई है, तो सेंट्रल 102 में भी वही चीज़ होगी, लेकिन वो प्री लीज नहीं है। प्री लीज में क्या होता है कि प्री लीज में आपको जिस टाइम से आप पैसे डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 88 लाख रुपीज़ का कोई एक एरिया ले लिया प्ले मेनिया में, तो वो वर्चुअल स्पेस हुआ एक तरह से, लेकिन आपको डेजिग्नेटेड होगा, पूरा डेजिग्नेटेड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया आपका है, लेकिन अल्टीमेटली वो वर्चुअल स्पेस बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो उन लोग के लिए होता है जिन लोग को पैसे डिप्लॉय करना है, फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ही सेफ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल FD कराते हैं, या आपके पास मान लीजिए 1 crore है, 1 crore रुपये आपको लगाने हैं, और आप नहीं, आप खुश हैं कि भाई मेरे पास 1 crore रुपये पड़े हैं, मैं बैंक में डाल के क्या करूँगा, कोई मुझे तो फ़ायदा हो नहीं रहा उससे, तो आप अपने अमाउंट जो है, अपनी मनी जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि 1 crore रुपये आप अगर बैंक में डालेंगे, तो आपने मान लीजिए कि कुछ टाइम बाद 1 crore 20 lakh रुपये हो गए वो, तो आपने 20 lakh रुपये अगर निकाल लिए तो अल्टीमेटली 1 crore रुपये ही रहेंगे। यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि ये इसमें आपको रेंटल वैल्यू तो मिलेगी, आपको पैसा तो मिल ही रहा है आपको महीने महीने जो आ रहा है आपका, क्योंकि आपने पैसा डिप्लॉय करा है, लेकिन आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रहा है। 1 crore की चीज़ आपकी 1.5 crore की हो जाएगी कुछ दिन में, है ना, तो क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे फंक्शनल हो गया है, आगे 3-4 महीने में पूरा दिल्ली वाला पार्ट फंक्शनल हो जाएगा। मतलब बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी जगह है, एक गोल्ड माइन ऐसी है कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे ले ली, थोड़ी सी अकल लगा के, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ी सी अकल लगा के सही इंसान से राय लेके आपने कोई चीज़ ले ली तो आप फायदे में ही रहेंगे। तो आपने यहाँ पे ओकस मेडले में प्री लीज चीज़ ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बनी हुई चीज़ है। अग्रीमेंट आप देख सकते हैं, कितने साल का अग्रीमेंट है, कितना परसेंट आपका आर ओ आई आएगा, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, या आप हमारा नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पर जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, या हैशटैग आप हमें व्हाट्सएप पे ओकस मेडले लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम डिस्कस कर लेंगे उसमें कि क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको आर ओ आई क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन समझाने वाली बात यही थी आपको कि ये सेकंड फ्लोर मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगता है। ग्राउंड फ्लोर भी आप ले सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इसका सेकंड फ्लोर ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो प्री लीज है, अग्रीमेंट साइन हो चुका है, अच्छा है, बनाया है इन्होंने, और आसपास कैशमेंट भी है इसका, ठीक है। तो ये बात हो गई ओकस मेडले की। ओकस मेडले का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करिएगा, या मैंने बताया कि व्हाट्सएप पर मैं हैशटैग ओकस मेडले लिखेंगे। अब जो बारी है वो बारी है सेंट्रल 102 की। तो सेंट अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी मेहनत आपके लिए हमें करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ खड़े होकर नहीं बताएंगे। सेंट्रल 102 बिल्कुल यहाँ से पास में, वो देखिए आप सामने, ये जो रिद्धि सिद्धि दिख रहा है, ये जो येलो कलर की बिल्डिंग्स दिख रही है ना, इसके पीछे चार और बिल्डिंग्स हैं, चार और सोसाइटीज़ हैं बहुत अच्छी अच्छी, उसके बीच में कॉमर्शियल है सेंट्रल 102, जो कि ग्राउंड फ्लोर और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, उसमें सिर्फ 90 शॉप्स हैं, इसमें लगभग 450 शॉप हैं ओकस मेडले में, वहाँ सिर्फ 90 शॉप्स हैं। वो क्यों आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो वहीं चल के हम बात करेंगे। तो लोकेशन पर चलते हैं सेंट्रल 102 की। तो अभी देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा डेटम बना के आपको बताते हैं। ये देखिए पीछे आपको जो येलो वाली बिल्डिंग्स मैंने दिखाई दी, रिद्धि सिद्धि वाली, ये हम लोग उस बिल्डिंग के उस तरफ थे ओकस मेडले में, जो सेक्टर 99 है। अब हम लोग इस बिल्डिंग के इस तरफ आ गए, इस सोसाइटी के बेसिकली इस तरफ आ गए, और दिस इज सेक्टर 102। अब आप पीछे देखिए, ये जो ब्लू कलर के आपको पैनल्स दिख रहे हैं, दिस इज़ द साइट लोकेशन सेंट्रल 102 की। सेक्टर 102 की खास बात क्या है, देखिए हेरिटेज मैक्स आपको दिख रहा है, पूरा खचाखच भरा हुआ। इसके पीछे भी कॉन्शेंट का ही है सेंट्रल 102, ये भी कॉन्शेंट का हेरिटेज मैक्स है। इसके कॉमर्शियल, ये बैंग ऑन रोड कॉमर्शियल है, और सिर्फ 90 शॉप्स हैं इसमें, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर है। उसके पीछे भी जो आप कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहे हैं, ये इनका जो सोसाइटी आ रही है, इसमें 1350 फ्लैट्स हैं, ये भी कॉन्शेंट की सोसाइटी है। इधर आप देख रहे हैं, दिस इज सन सिटी, ये भी पूरा भरा हुआ है। इधर आप देख रहे हैं इमार का गुड़गांव ग्रीन्स, ये भी पूरा भरा हुआ है। तो ये कैचमेंट पूरा तैयार कैचमेंट है, क्योंकि लोग यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब ये चार सोसाइटीज़ जो मैंने बताई, मैं अगर ये मानूँ कि मैं भी यहाँ सेक्टर 102 में पीछे ही रहता हूँ, तो अगर
मुझे भी अगर आना है किसी अच्छे कमर्शियल में आना है, और मुझे पता है कॉन्शेंट की जो लीजिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अभी हम लोग जब जाते हैं शॉपिंग करने तो कॉन्शेंट बन जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें वहीं खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है और ये मेरे घर से 1 किलोमीटर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है मुझे, मैं भी उधर जो शाहपुर जी में लोग रह रहे हैं, जो इंपीरियल गार्डन्स में लोग रह रहे हैं, अडानी में रह रहे हैं, वो सब भी इधर ही आएंगे, लेकिन मैं नहीं मान के चलता चलिए के लोग इधर आएंगे, लेकिन फिर भी ये 4 सोसाइटीज़ ही इतने बड़े कमर्शियल को चलाने के लिए इनफ हैं। लीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कॉन्शेंट की, इसमें भी अगर मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं, फ्रंट का पूरा एरिया नाथू स्वीट्स ने ले लिया है ऑलरेडी, और बहुत अच्छे और ब्रांड्स आ चुके हैं जो कि सक्सेसफुली रन कर रहे हैं कॉन्शेंट वन में, वो ही जाहिर सी बात है इसमें आ जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ भी अच्छा कमा रहे हैं वो कॉन्शेंट की वजह से। तो बेसिकली जो कंपैरिजन है वो इसलिए है क्योंकि भाई ओकस मेडले भी बिल्कुल पास में है, अच्छी लोकेशन है, लेकिन मैं उसमें प्री लीज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेंट्रल 102 है इसमें ग्राउंड फ्लोर पे और फ्रंट फर्स्ट फ्लोर पे कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स इन्होंने अभी कुछ दिन पहले खोली थी, जिसमें से मेरे आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग माई दोज व्यूअर्स जो आप देख रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेंट्रल 102 में चीज़ ली है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर में हो चाहे ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो दोनों चलने वाली चीज़ें हैं क्योंकि इतने बड़े कमर्शियल को इतनी अच्छी लोकेशन पे इतने अच्छे कैचमेंट के साथ चलाने के लिए कुछ ही 12-13 ब्रांड्स की जरूरत पड़ती है, पूरा कमर्शियल चल जाता है। तो और ये आप देख रहे हैं पीछे वो देख रहे होंगे दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेसवे, तो समवेयर अराउंड मेरे हिसाब से 200 मीटर के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे से अंदर है ये, और इधर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। तो बेसिकली है क्या, अब जो मैं बता रहा था कि प्राइस वाली बात जैसे हम लोग अगर करें तो प्राइस वाली बात जो है वो ये है कि वहाँ पे भी सब समवेयर अराउंड 88 लाख से शुरू हो रही थी, यहाँ पे समवेयर अराउंड 95 लाख के आसपास से फर्स्ट फ्लोर की चीज़ शुरू हो जाती है, मतलब अंडर 1 CR है दोनों चीज़ें, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे अगर लें आप, और ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई चीज़ लें आप तो 1.2 CR से शुरू हो जाती है अप टू 2 CR। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो रेट्स की अगर बात करें तो ओकस मेडले में ग्राउंड फ्लोर का रेट जो है 32,500 रुपये है और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का रेट जो है वो 27,000 रुपये है। तो और अगर हम लोग जो जैसे हम लोग प्री लीज की बात कर रहे थे तो वहाँ पे प्री लीज का जो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है उसका रेट 22,500 रुपये है और यहाँ फर्स्ट फ्लोर का रेट जो है वो 16,500 रुपये है, तो ये डिफरेंस है। तो कॉन्शेंट अलग तरीके से काम करता है, ओकस अलग तरीके से काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऊपर नीचे वाली चीज़ नहीं बता रहा, मैं सबका रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता चलेगा क्या चीज़ ऊपर क्या चीज़ नीचे। अगर आपको बहुत सेफली बस पैसा डिप्लॉय करना है और आपके पास अमाउंट है अभी 88 लाख या 1 CR के आसपास का, तो आप उसमें कर सकते हैं, आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक पेमेंट प्लान कि भाई मैं 1.2 CR की ग्राउंड फ्लोर की शॉप लेना, कई लोग ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं नहीं मुझे भाई ग्राउंड फ्लोर की ही चीज़ चाहिए, मुझे तो और कुछ बताइए मत आप, तो ग्राउंड फ्लोर पर आप अच्छी शॉप अगर चाह रहे हैं चलने वाली चीज़ क्योंकि इतना कैशमेंट आसपास है बिल्कुल चलेगी और कॉन्शेंट लीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइस सही है, अगर आसपास की लोकेशन के हिसाब से प्राइस देखें तो ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का दोनों का प्राइस बहुत सही है कॉन्शेंट का। तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे उसके लिए बताइएगा। 445 स्क्वायर फीट से ग्राउंड फ्लोर की शॉप शुरू है, पेमेंट प्लान भी इसका जो है बहुत अच्छा है, पेमेंट प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे फ़ोन के ऊपर क्योंकि पेमेंट प्लान आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मिल जाता है। तो बेसिकली यह है, रिस्क इसमें भी कोई नहीं है क्योंकि कॉन्शेंट ने बना के इतनी सारी चीज़ें दिखा चुका है कॉन्शेंट। इनफैक्ट कॉन्शेंट का मैं हिंट दे रहा हूँ, आगे उसका वीडियो लाऊंगा, सेक्टर 80 में जहाँ पे शोभा आ रहा है वहाँ पे कॉन्शेंट का एक रेजिडेंशियल आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी आ रहा है वो, और बहुत सही प्राइस में क्योंकि कॉन्शेंट के प्राइस हमेशा बहुत सही रहते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी कमर्शियल की बात कर रहे हैं। तो कमर्शियल में अगर आप इंटरेस्टेड है कॉन्शेंट के, बहुत अच्छा ब्रांड है, लीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको अगर आपने यहाँ पे चीज़ अपना पैसा डिप्लॉय कर दिया, आपको अगर चीज़ मिल गई तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। अगर अभी चीज़ अवेलेबल नहीं अवेलेबल होगी तो बात ही अलग हो गई, लेकिन अभी अगर चीज़ अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से आपको जल्दी करना चाहिए इसमें। तो अगर इसमें आप इंटरेस्टेड तो अगेन आपको इसी नंबर मुझे कॉल करना पड़ेगा या आप इसमें लिख देंगे, अभी आवाज़ आपको काफ़ी सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखिए कितना तेज चल रहा है कॉन्शेंट में। तो इस अभी व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा ये, तो इसमें आप # #Central102 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप Central102 में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप #OkasMedley लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप ओकस मेडले में इंटरेस्टेड है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है, आप इस नंबर पे हमें कॉल करेंगे तो आपकी मुझसे बात हो जाएगी और फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, लेकिन देर मत करिएगा, दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है, फिर उसके बारे में बात करते हैं हम लोग ऑन कॉल, फिर यहाँ पे आप आएंगे तभी आपको चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो इतनी सी बात करनी थी आपसे, आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चले हो।